जग प्रसिद्ध ताड़ोबा अंधारी बाग परियोजना के बफर क्षेत्र में आने वाले गांव के लिए खुशखबरी है। बागों तथा जंगलों को बचाने में पीढ़ी दर पीढ़ी योगदान देने वाले इन गांव के लोगों को करीब 30 साल बाद उनकी मेहनत का फल मिलने वाला है। ताड़ोबा प्रबंधन ने पर्यटन से होने वाली आय का एक तृतीयांश ताड़ोबा बफर के गांव को बांटने का निर्णय लिया है। इस योजना की रूपरेखा ताड़ोबा के वन संरक्षण जितेंद्र राम गावर ने तैयार की है, जिस पर राज्य के वन मंत्री तथा जिले के पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने ताड़ोबा फाउंडेशन की बैठक में मुहर लगाई थी, जिस पर अब निर्णायक रूप से अमल किया जा रहा है। 23 फरवरी को ताड़ोबा के स्थापना दिवस पर पहली बार 79 गाँव में 3.5 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। गांव अपनी प्राथमिकता से योजना तैयार करके उस राशि को खर्च कर सकेंगे। माना जा रहा है कि इस निर्णय से बाघों तथा वन संरक्षण के बारे में लोगों का नजरिया बदलने में मदद मिलेगी। बफर बन जाने के बाद लगाए गए बंधों के कारण इन गांव के लोग अपेक्षित महसूस करने लगे थे। फाउंडेशन के पैसे से ताड़ोबा बफर के गांव के कक्षा 10वीं तथा 12वीं में 85% से ज्यादा अंक पाने वाले 30 से 40 विद्यार्थियों को क्रमशः टेबल और लैपटॉप दिया जाएगा। जंगल के समीप स्कूल जाने वाली 30 छात्राओं को साइकिल दी जाएगी। ताड़ोबा के वन संरक्षण जितेंद्र राम गावकर ने बताया कि जंगल से सटे स्कूलों को इलेक्ट्रिक साइकिल देने पर विचार किया जा रहा है। 23 फेब्रुवारी 1995 या रोजी ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाची अधिकृत अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाने जारी केलेली होती आणि त्यामुळेच आपण 23 फेब्रुवारी हा दिवस ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचाही स्थापना दिवस म्हणून साजरा करतोय। यावर्षी माननीय वनमंत्री आणि आमचे मार्गदर्शक श्री मुनगंटीवार साहेब यांच्या मार्गदर्शनातून या वर्षी आम्ही हा दिवस साजरा करतोय आणि भरपूर मोठ्या प्रमाणामध्ये लोकसहभाग या कार्यक्रमामध्ये आम्ही सुनिश्चित करतोय आणि सर्व जे आपल्याकडची ग्राम परिस्थिती विकास समिती आहेत, EDCs आहेत, गाव सरपंच आहेत, पर्टिक्युलरली बफर क्षेत्रामधले आणि विविध क्षेत्रामधली जी लोकं ताडोबाशी कुठल्या ना कुठल्या कारणाने जुळलेली आहेत, ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाला मदत करणारे काही कॉर्पोरेट्स असतील, स्वयंसेवी संस्था असतील, स्वयंसेवी काही व्यक्ती असतील, तर या सर्वांचं या निमित्ताने आम्ही आमंत्रित करून सत्कारसुद्धा करणार आहोत। तसेच पर्यटनामधून जो व्याघ्र प्रकल्पाला महसूल मिळतो त्या महसुलाचा एक काही भागसुद्धा थेट एका धनादेशाच्या स्वरूपामध्ये आम्ही त्या समित्यांना देणार आहोत आणि काही प्रमाणामध्ये जी काही लोकांची मागणी आहे तर त्या मागणीनुसारसुद्धा काही प्रोत्साहनात्मक बक्षिसे, प्रोत्साहनात्मक वितरण या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने 23 फेब्रुवारी रोजी आम्ही करणार आहोत। तर आपल्या सर्वांना विनंती आहे की या कार्यक्रमाला आपण उपस्थित राहू शकता। व्याघ्र प्रकल्पाच्या वतीने सगळ्यांना आम्ही विनंती करतो की आपण उपस्थित राहावे आणि जी काही गावकरी, जी काही इको डेव्हलपमेंट कमिट्यांचे पदाधिकारी, आमचे प्रायमरी रिस्पॉन्स टीमचे मेंबर आणि वन कर्मचारी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहत आहेत, त्यांना आपण उपस्थित राहून त्यांचे मनोबल वाढवावे आणि त्यांना प्रोत्साहित करावे। NBCN News के लिए ताड़ोबा से सुनील ताळे की स्पेशल रिपोर्ट।